नमस्कार दोस्तों, मेरा एक दोस्त बोला, राहुल यार मेरा कंप्यूटर स्लो चलता है, तो उसको कुछ मैंने टिप्स बताई और उसकी वजह से उसके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई। ये टिप्स आपके भी काम आ सकती हैं, तो आज की वीडियो में इन्हीं टिप्स के ऊपर लेके आया हूँ। जिस तरह घर की सफाई जरूरी होती है, वैसे ही कंप्यूटर की सफाई भी जरूरी होती है। मैं तो अपने कंप्यूटर को रेगुलरली साफ करता हूँ, और ये टिप्स मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी अपने कंप्यूटर को रेगुलरली इंटरवल पर साफ करते रहिएगा। जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे क्या है टेम्परेरी फाइल बन जाती हैं, तो इनको समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करूंगा, Windows+R, और इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा टेम्प, TEMP टेम्प, और जैसे ही एंटर करूंगा तो एक फोल्डर ओपन होगा जिसके अंदर मेरी बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स होंगी। मैंने अपने कंप्यूटर को रेगुलरली साफ करता हूँ, तो आज ज्यादा फाइलें नहीं है, तो मैं इसको Ctrl+A करके डिलीट करके परमानेंटली डिलीट कर दूंगा। परमानेंट अगर आप सिंपल डिलीट दबाएंगे तो वो आपके रिसाइकल बिन में जाएंगे और वहां स्पेस घेरेंगी, और आप Shift+ Delete दबाएंगे तो वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएंगी। अभी मैं बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ, तो ये फाइलें अभी डिलीट नहीं होंगी क्योंकि ये बैकग्राउंड की फाइलें हैं, तो ये डिलीट नहीं होंगी। बाकी आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी और टेम्परेरी फाइल होंगी, वो इसके अंदर से डिलीट हो जाएंगी, तो मैं इसको स्किप करके छोड़ दूंगा। फिर इसके बाद फिर से मैं Windows+R प्रेस करूंगा और अगला फोल्डर मैं खोलूंगा रीसेंट का। जैसे ही मैं रीसेंट पे क्लिक करूंगा तो जो रीसेंट में मैं काम कर रहा हूँ वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी फाइल होंगी वो आपको शो होगी। Ctrl+A करके Shift+ Delete दबा के इस फोल्डर को भी मैं साफ कर लूंगा। फिर से Windows+R दबा के एक और मैं फोल्डर ओपन करूंगा आपका प्रीफेच का। जैसे ही मैं प्रीफेच डालूंगा और जैसे ही एंटर करूंगा तो एक फोल्डर ओपन होगा, तो इसके अंदर भी जो भी फाइलें होंगी वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि टेम्परेरी फाइल होती हैं और काफी ज्यादा आपका स्पेस घेरती हैं। जैसे ही मैं Shift+ Delete दबा के फिर से दबाऊंगा तो ये फाइलें भी इसके अंदर से डिलीट होके इस फोल्डर को भी एम्प्टी कर देंगी। इसके बाद लास्ट आपका बचता है Windows+R दबा के %10%। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो ये फोल्डर भी ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी फोल्डर्स फाइलें होंगी वो आपको दिखने लग जाएंगी। और इसको भी मैं Ctrl+A करके Shift+ Delete करके इसको डिलीट कर दूंगा, तो वो डिलीट हो जाएंगी। जिस पर आप काम कर रहे होंगे बैकग्राउंड में, वो फाइलें को छोड़कर बाकी सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी कंप्यूटर की सफाई कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जिससे ये हैक और लोगों के यूज़ में भी आ सके।